घर में बैठी रहती ना तो मूड और खराब होता, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। ये जगह तो ठीक हो ना? मैं वॉशरूम जाकर आती हूं। थैंक यू सो मच भैया कि आप यहां मेरे प्रोजेक्ट के काम के लिए आए। अब मैं आपको एक थैंक्सगिविंग स्पेशल कॉफी पिलाऊंगी। अक्षत भैया, आप लोग यहाँ कैसे? वो हम कुछ काम से आए थे, फिर सोचा कि यहाँ कॉफी पी लेते हैं। सुना यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है। हाँ, इसलिए तो सारे लोग आते हैं यहाँ पे। अरे भाभी आप, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। राज चलो ना कहीं और चलते हैं। कहीं और क्यों, हम यही बैठेंगे। वेलकम सर। वेलकम मैम। अच्छा लगा आप लोगों को इतने दिन बाद फिर से यहाँ पर देखकर। आप इन्हें जानते हैं? जी बिल्कुल, किसी जमाने के ये हमारे स्पेशल कस्टमर हुआ करते थे, और आज देखिए शादी के बाद भी आज ये हमारे यहाँ आए हैं। मेरा भाई मुझे और मेरी बहन मुझे यहाँ। आप लोग बैठिए, बातें कीजिए, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल कॉफी भिजवा देता हूँ। प्लीज बैठिए। तुम दोनों हमें जानबूझकर लाए हो यहाँ। राज तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। ट्रस्ट मी, हम यहाँ सिर्फ कॉफी पीने आए हैं, हम सबका यहाँ मिलना है जस्ट अ कोइंसिडेंस। बैठिए ना भैया प्लीज। बैठिए ना भैया प्लीज, यहाँ बैठिए। और मैं देख के आता हूँ कि आज डेजर्ट में स्पेशल क्या है। सॉरी, मैंने गलती से इस कॉफी में शुगर डाल दी। मैम आप शुगर नहीं लेती? नहीं, वो मैं पहले उनके लिए कॉफी बना रही थी। ये आप उन्हें दे देंगे? जी सर, कॉफी। सुनिए, ये पेस्ट्री उन्हें दे दीजिए, ये उनकी फेवरेट पेस्ट्री है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो अलग अलग क्यों बैठे हैं, एक ही जगह पे बैठिए ना। ये तो हम भी चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ पास रहे। राज, हमें थोड़ी देर और उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, शायद कुछ बात बन जाए।